यह जो वीडियो में तलवार दिखाते हुए युवक को आप देख रहे हैं, यह वही युवक है जिसने शिक्षिका पर तलवार से हमला किया था। इस युवक ने दो दिन पूर्व शिक्षिका के भाई को वीडियो कॉल कर धमकी दी थी, उसी दौरान उनके द्वारा यह वीडियो बनाया गया था। और यह वह महिला शिक्षिका है जो घायल हुई है। यह महिला शिक्षिका का मकान है जहां पर महिला शिक्षिका रहती है। और आइए अब हम आपको बताते हैं इस घटना को लेकर पूरा मामला। मामला सियाखुटा में शिक्षिका के साथ तलवार से जानलेवा हमला करने का है। यह हमला क्यों हुआ और किसने किया और घटना के पीछे की क्या वजह थी, इसी की कुछ जानकारी जुटाकर हम वागड़ तक के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। शिक्षिका के परिजनों के अनुसार बताया गया है कि आरोपी महिपाल, जो कि मंगलवार को भी स्कूल में शिक्षिका को डराने धमकाने के लिए पहुंचा था और स्कूल में उसने दो दिन पूर्व ही धांधली की थी। बुधवार को शिक्षिका लीला ताबियार अपने भाई सुरेश के साथ बाइक पर सवार होकर स्कूल से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही होगी, तब पीछे से आरोपी तीन युवक बाइक लेकर पहुंचे और उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही शिक्षिका व उसका भाई बाइक से नीचे गिर गया। बाद में आरोपी महिपाल ने तलवार लेकर शिक्षिका पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शिक्षिका पर कई हमले किए, पहले सबसे पहला हमला गर्दन पर किया, लेकिन शिक्षिका का कंधा बीच में आ गया तो शिक्षिका बच गई। कंधे पर तलवार से हमला हुआ, फिर पैर पर, फिर चेहरे पर, कई जगह शिक्षिका के ऊपर महिपाल द्वारा तलवार से हमले किए गए। शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई और नीचे गिर गई। उसके बाद में आरोपी तीनों ही युवक वहां से अपनी बाइक लेकर भाग निकले। घायल शिक्षिका के साथ उसके रिश्तेदार गुड्डू भी मौजूद थे, जिन्होंने भी पूरी जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि महिपाल दो दिन पहले वीडियो कॉल कर धमका भी चुका है, जिसका वीडियो भी उन्होंने बना रखा है, जिसमें आरोपी महिपाल तलवार लेकर डराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन तलवार लहराते हुए आरोपी महिपाल उसमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शिक्षिका लीला पहले से शादीशुदा है, जिसने अपने पति से तलाक भी ले रखा है और यह व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी देना बता रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने बताया कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला भी होना सामने आ रहा है। फिलहाल घायल शिक्षिका को मौके से एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा डूंगरा लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उसके भाई से रिपोर्ट नामजद ले ली है और आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। घटना स्थल से घायल शिक्षिका की बाइक भी बरामद कर ली है। घायल शिक्षिका को प्राथमिक उपचार के बाद परिजन दाहोद लेकर पहुंचे, जहां पर देव हॉस्पिटल में उसका उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ ही पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिपाल भगोरा पुत्र हिम्मत लाल निवासी ठीकरिया चंद्रावत घाटोल थाना क्षेत्र का निवासी है, तो वहीं शिक्षिका लीला ताबियार पुत्री लक्ष्मण ताबियार निवासी तरियापाड़ा जोलाना की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी महिपाल की सरगर्मी से तलाश कर रही है।